नमस्कार दोस्तों, पॉलिनोमियल्स के फिफ्थ लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने डिवीज़न्स को पढ़ रखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे तो हमारे पास क्वोशेंट आता था और रिमाइंडर आता था। इसे हम लोग रिमाइंडर कहते थे, इसे हम लोग क्वोशेंट कहते थे, इसे हम लोग डिवीज़र कहते थे और इसे हम लोग डिविडेंड कहते थे। उसके बाद हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल होता है डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ये हमने पढ़ा था। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ेंगे। हम लोग इस नंबर की जगह एक पॉलिनोमियल रख देंगे पी एक्स, जिसे हम लोग किसी दूसरे पॉलिनोमियल एफ एक्स से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इस बार भी कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, जिसको हम लोग नाम क्यू एक्स रख रहे हैं, और एक रिमाइंडर भी आएगा जिसका नाम हम लोग आर एक्स रख रहे हैं। तो हम लोग डिविडेंड की जगह चाहें तो पी एक्स रख सकते हैं, तो इस डिविडेंड की जगह हमने पी एक्स रख दिया। इक्वल्स टू डिवीज़र की जगह हम लोग चाहें तो एफ एक्स रख सकते हैं, इसकी जगह हमने एफ एक्स रख दिया। मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन की जगह हम लोग क्यू एक्स रख सकते हैं, क्यू एक्स रख दिया। प्लस रिमाइंडर की जगह हम लोग आर एक्स रख सकते हैं, तो हमने आर एक्स रख दिया है। यही डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग बिना इस फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन में हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चेंट और रिमाइंडर आए उसे हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग बस फर्स्ट वेरिएबल इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। यहाँ पे 14x क्यूब है, यहाँ पे 2x। तो 2x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 14x क्यूब आ जाए। तो 2 में आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और x में अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x स्क्वायर में अगर x को मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा। तो हम लोग 2x माइनस 1 में 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 2x में 7x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है 14x क्यूब आएगा, बीच में माइनस। इस 7x स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 7x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये 14x क्यूब, ये माइनस 14x क्यूब, दोनों कैंसिल जाएंगे। प्लस 7x स्क्वायर, ये माइनस 5x स्क्वायर है, तो क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये 9x वाला टर्म नीचे आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो 2 में हम लोग ऑब्वियस सी बात है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और x में हम लोग x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसलिए हमें 1x से मल्टीप्लाई करना है, या हम लोग कहें सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर x को हम लोग 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर बीच में माइनस का साइन। इस प्लस एक्स को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब इसे भी हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9x और ये प्लस x क्या आ जाएगा, 10x, और ये माइनस 1 इस बार नीचे आ जाएगा, माइनस 1 नीचे लिख दिया है। अब 2x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 10x आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 5 बस मल्टीप्लाई करेंगे, x तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2x क्या होगा, 10x। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्या होगा, माइनस 5। यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस 5 क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमें रिमाइंडर मिला और ये हमें क्वेश्चेंट मिला। अब हम लोग आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो हमने देखा था डिविडेंड था 14x
क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस वन। डिवीज़र था हमारा 2x माइनस वन। क्वेश्चन आया था हमारा 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, रिमाइंडर आया था 4, तो रिमाइंडर की जगह हमने 4 रख दिया। अब हम लोग बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस 2x को 7x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14x क्यूब, फिर इस 2x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10x। तो हमने 2x का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों ही नंबर्स में कर दिया है। अब माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों ही नंबर्स में करेंगे, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 7x स्क्वायर क्या होगा माइनस 7x स्क्वायर, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5, और ये प्लस 4 एज इट इज़ 14x क्यूब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ माइनस 2x माइनस 7x स्क्वायर लिखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से 10x लिखा है और यहाँ माइनस x लिखा है तो क्या आएगा प्लस 9x, और माइनस 5 प्लस 4 करने पे क्या आएगा माइनस 1। और ध्यान से देखिए, यही हमारा डिविडेंड था, इसलिए वेरीफिकेशन कम्प्लीट हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो फिर से वही काम करना है हमें, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 लिखा हुआ है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो अभी सी बात है 6। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो अभी सी बात आंसर होगा x, क्योंकि x में अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब आएगा। अब हम लोग इस 6x को इन तीनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x को अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x क्यूब, बीच में प्लस, इस 6x को x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, उसके बाद अगर इस 6x को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 6x। अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, माइनस 39x प्लस 6x क्या होगा माइनस 33x, क्योंकि यहाँ पे तीन नंबर्स हैं तो इस माइनस 65 को नीचे लाना पड़ेगा तो जाएगा माइनस 65। अब हम लोग को सोचना है कि x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे मानते हैं 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए, तो होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यानी हमें इस 5 को इन तीनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होगा प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 क्या होगा माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये कैंसिल, माइनस 33x माइनस 5x क्या होगा माइनस 38x, माइनस 65 प्लस 5 क्या होगा माइनस 60। अब हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 38x आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, जब भी पावर यहाँ के पावर से छोटा आ जाए यहाँ पर तब हम लोग अपना डिवीज़न रोक देंगे, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर x का 1 था, तो हम लोग यहीं पे रोक देंगे क्योंकि ये पावर बड़ी हो गई और ये पावर छोटी हो गई, यानी ये हमारा रिमाइंडर हुआ और ये हमारा क्वोशेंट। अब हम लोग इस डिवीज़न को वेरीफाई भी करेंगे, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने का वही फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था हमारे पास 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65। डिवीज़र क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्वेश्चन क्या था 6x प्लस 5, और रिमाइंडर क्या था माइनस 38x माइनस 60। तो हम लोग पहले इस तीनों ही टर्म को इन दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को अगर 6x में मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 6x क्यूब,
इस एक्स स्क्वायर को 5 में मल्टीप्लाई करने का जाएगा 5x स्क्वायर। अब हम लोग इस एक्स को 6x और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को अगर 6x में मल्टीप्लाई करने का जाएगा 6x स्क्वायर, इस एक्स को 5 में मल्टीप्लाई करने का जाएगा 5x, इस माइनस वन को 6x में मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा माइनस 6x, इस माइनस वन को 5 में मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा माइनस 5, फिर माइनस 38x और माइनस 60 रिमाइंडर था 6x क्यूब एज इट इज। इस 5x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं तो क्या आएगा 11x स्क्वायर। इस 5x माइनस 6x और माइनस 38x को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 39x। आप लोग आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस माइनस 60 और माइनस 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 65। और ध्यान से देखिए यही हमारा डिविडेंड है, मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें इस बार इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है कि डिविडेंड में x का पावर 4 है लेकिन x का पावर 3 नहीं है, x स्क्वायर है लेकिन x नहीं है। तो याद रहे जब भी हमें डिवाइड करना होगा जो भी छूट रहे होंगे वेरिएबल्स उन्हें लाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे x का पावर 3 नहीं है और x नहीं है तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे। हम लोग लिखेंगे प्लस 0x क्यूब, क्योंकि x क्यूब नहीं था इसलिए हमने आगे 0 लिख दिया है। x स्क्वायर का तो टर्म था ही, और वो टर्म था माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर के बाद x का टर्म नहीं था, हम लोग 0x लिखेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म था वो था 4। तो याद रहे जो टर्म नहीं रहेगा उसे आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे x क्यूब नहीं था तो मैंने इसके आगे 0x क्यूब लिख दिया, ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x नहीं था तो हमने 0x लिख दिया है। अब हम लोग डिवीजन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो फिर से भाई 3x स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x का पावर 4 आ जाए, मतलब 3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए, उसका आंसर होगा 3। एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 हो जाए, तो उसका आंसर होगा x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर को हम लोग इन तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 9x का पावर 4 बीच में प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्या आएगा 3x क्यूब आएगा। इस 3x स्क्वायर को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस, तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 0x क्यूब माइनस 3x क्यूब क्या होगा माइनस 3x क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा माइनस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है और यहाँ पे दो ही टर्म है तो इस टर्म को नीचे लाना होगा, मतलब ये प्लस 0x आ जाएगा यहीं पे। अब हमें देखना है कि 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए, पहला ही टर्म लाना रहता है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आ जाए, इसका आंसर होगा माइनस 1। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, इसका आंसर होगा x। इस माइनस 1 को हम लोग चाहें तो हटा भी सकते हैं, क्या जाएगा माइनस x। इस माइनस x को इन तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर क्या होगा माइनस 3x क्यूब। इस माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे x में क्या होगा माइनस x स्क्वायर होगा, इस माइनस x को इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस x। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस भी प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए कैंसिल हो गया, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0x माइनस x क्या होगा माइनस x और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये पावर बड़ा है और ये पावर छोटा है। अब हम लोग डिवीज़न करना रोक देंगे क्योंकि ये वाली पावर बड़ी हो गई है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इस डिवीज़न को वेरीफाई करें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है और रिमाइंडर निकाल लिया है, तो आपका होमवर्क रहेगा आप कि आप इसे वेरीफाई करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल एफ एक्स के सारे जीरोज को फाइंड करिए जिसके दो जीरोज दिए हुए हैं रूट 2 और माइनस रूट 2।
तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके दो जीरोज़ भी गिवन हैं, वो दो जीरोज़ हैं रूट टू और एक माइनस रूट टू। तो बाकी दोनों जीरोज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले इन दोनों जीरोज़ की मदद से एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो देखते हैं वो पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे। पहले हम लिखेंगे एक्स, फिर पहला जो भी जीरो रहे उसको हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस रूट टू हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो भी जीरो रहे उसे भी हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यानी पहले एक्स लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे। दूसरा जीरो क्या था, माइनस रूट टू, इसकी जगह हमने माइनस रूट टू लिख दिया है, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, ठीक है जाएगा प्लस रूट टू। तो आपको मालूम चला किस तरीके से ये पॉलिनोमियल बनाना है, पहले एक्स लिखना है फिर माइनस फिर फर्स्ट जीरो, फिर एक्स लिखना है फिर माइनस फिर सेकेंड जीरो, वो अलग की बात है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है। अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू होता है, यानी हमें जो पॉलिनोमियल मिला वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो आपको क्या करना होगा, जो भी जीरोस दिए होंगे उनसे पहले एक पॉलिनोमियल बनाना होगा। अब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, तो देखते हैं क्या आता है डिवाइड करने पे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि इसी से तो डिवाइड करना है, इसका लिखेंगे टू एक्स का पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। ध्यान से देखिए सारे टर्म्स हैं, एक्स का पावर फोर है, एक्स का पावर थ्री है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो क्या करते थे डिवीजन के लिए, यहाँ पे वन मान लेते थे, फिर इस वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाए, तो वैसे बात आंसर होगा टू। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स का पावर फोर आ जाए, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग इस टू एक्स स्क्वायर को इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स का पावर फोर, इस टू एक्स स्क्वायर को माइनस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का टर्म इधर दिया है, इस माइनस फोर एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे माइनस फोर एक्स स्क्वायर लिख दिया है, लाइक को लाइक के नीचे ही रखेंगे। अब हम लोग माइनस करेंगे, मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये माइनस थ्री एक्स क्यूब एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब नीचे आ गया है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो ही टर्म है और यहाँ पे दो ही टर्म आया है। तब हम लोग एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाए, मतलब पहले हम लोग ये चेक करेंगे वन में मल्टीप्लाई करें, वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री आ जाए, तो यहाँ पे माइनस थ्री आंसर होगा। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो इसका आंसर होगा एक्स, मतलब इस माइनस थ्री एक्स को हम लोग इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे सिक्स एक्स आया है, तो हमें इस सिक्स एक्स को इसके नीचे लिखना होगा, तो हमने इसके नीचे लिख दिया है। अब आप लोग क्या करिए, इस सिक्स एक्स को भी नीचे ला दीजिए, ये सिक्स एक्स नीचे आएगा तो ये भी प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा। अब हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स कैंसिल जाएंगे और ये माइनस टू एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। मैंने किया क्या है, जब मैंने इस माइनस थ्री एक्स को टू में मल्टीप्लाई किया, माइनस टू में मल्टीप्लाई किया तो प्लस सिक्स आया, प्लस सिक्स इसके नीचे लिख नहीं सकते थे तो हमने यहाँ पे लिखा और फिर इस सिक्स एक्स को नीचे लाया ताकि हम लोग ऐड कर पाएँ, बस यही किया है। उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाए, तो अभी से बात होगा यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब हम लोग ये जो भी क्वेश्चन आया है इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो जो भी वो जीरोस आएगा वो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो कहलाएगा। तो इसका जीरो फाइंड करना बहुत आसान है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया था, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे और इसको फैक्टराइज़ करेंगे। तो फैक्टराइज़ करने का वही तरीका था कि इसको हम लोग पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे। ए का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 2, बी का वैल्यू क्या आएगा -3, सी का वैल्यू क्या आएगा 1। उसके बाद सीधा चार फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या था एक्स इजल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग क्या करेंगे अब बी ए सी का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या जाएगा x इजल टू माइनस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 सी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू क्या है 2, क्या जाएगा x इजल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जो 8 होल डिवाइडेड बाई 4। तो 9 माइनस 8 करने पे क्या आएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 3 प्लस 1 बाई 4 और एक बार माइनस के साथ 3 माइनस 1 बाई 4। 3 प्लस 1 करने पे क्या आएगा 4, 3 माइनस 1 करने पे क्या आएगा 2। तो x का वैल्यू क्या हुआ 4 बाई 4 मतलब 1 और 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2। यही बाकी दो जीरोस हैं, यही हमारा आंसर है। तो ट्रिक वही है कि पहले जो भी जीरोस दिए होंगे उनसे हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर इस पॉलिनोमियल से मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोस को फाइंड करेंगे। तो हमने इसके जीरोस को फाइंड किया तो क्या आया 1 और 1 बाई 2। यही दोनों जीरोस इस पॉलिनोमियल के भी जीरो कहलाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है, मतलब इस बार भी हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस भी गिवन है, वो दो जीरोस हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो फिर से वही ट्रिक कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों जीरोस की मदद से एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर उस पॉलिनोमियल से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका जीरोस निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो पहले इन दोनों जीरोस की मदद से एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। कैसे बनाते थे, पहले लिखते थे एक्स फिर माइनस और ये जो भी जीरोस दिया रहे, जीरोस क्या है 2 प्लस रूट 3 इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर एक और जीरो दिया है तो फिर से एक्स लगाएंगे, फिर माइनस सेकेंड जीरो जो कि है 2 माइनस रूट 3, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 2 और ये प्लस रूट 3 हो जाएगा जैसे माइनस ओपन करेंगे। तो अब हम लोग इस एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स को माइनस 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 2x, इस एक्स को रूट 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस रूट 3x। अब हम लोग इस माइनस 2 को अगर x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 2x, इस माइनस 2 को माइनस 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस 4, इस माइनस 2 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 2 रूट 3, फिर इस माइनस रूट 3 को अगर x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस रूट 3x, इस माइनस रूट 3 को माइनस 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस 2 रूट 3, फिर अगर इस माइनस रूट 3 को प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 3। तो ध्यान से देखिए माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3x प्लस रूट 3x भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये 4 और ये माइनस 3 मिलके हो जाएंगे प्लस 1, यानी हमें पॉलिनोमियल जो मिला वह है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसी पॉलिनोमियल से हम लोग इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, यानी हम लोग इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यहाँ पे
एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। फिर से भाई इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए, तो अब इसी बात है x² अब इसी x² को हम लोग इन तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को अगर x² में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x का पावर 4, इस x² को माइनस 4x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 4x³, इस x² को 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस x². उसके क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, ये माइनस प्लस में बदल जाता है और ये प्लस माइनस में, तो x का पावर 4 कैंसिल आएंगे, माइनस 6x³ प्लस 4x³ क्या आएगा माइनस 2x³ माइनस 26x² माइनस x² क्या होगा माइनस 27x², क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है और यहाँ पे तीन टर्म है तो इस टर्म को भी नीचे लाना पड़ेगा, वो है प्लस 138x। अब हम लोग x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x³ आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाए तो अभी उसी बात है माइनस 2। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो अभी उसी बात है इसका आंसर है x, मतलब इस माइनस 2x को हम लोग इन तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 2x को जब x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x³, इस माइनस 2x को माइनस 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 2x मल्टीप्लाई बाई 4x क्या आएगा 8x², इस माइनस 2x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए पहला टर्म कैंसिल, माइनस 27x² माइनस 8x² कितना होगा माइनस 35x² प्लस 138x प्लस 2x क्या होगा 140x और ये माइनस 35 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम लोग x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35x² आ जाए, उसके लिए हम लोग फिर से पहले यहाँ 1 लिखेंगे, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35 आ जाए, तो इसी बात है माइनस 35 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस माइनस 35 को x² में अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 35x², इस माइनस 35 को माइनस 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140x, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इस माइनस 35 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 35, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। पहला टर्म कैंसिल, यहाँ प्लस 140 है और यहाँ 1 माइनस, यहाँ माइनस 140 है तो ये भी टर्म कैंसिल, यहाँ माइनस 35 है और यहाँ प्लस 35 है तो ये भी कैंसिल, यानी रिमाइंडर 0 बचा। यानी जब हमने इस पॉलिनोमियल से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया x² माइनस 2x माइनस 35। अब हम लोग इसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करेंगे और वही हमारा आंसर कहलाएगा। यानी जब हमने इस पॉलिनोमियल से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया x² माइनस 2x माइनस 35। हमें क्या करना है इसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे, उसके बाद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वो क्या था ax² प्लस bx प्लस c इजल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा क्योंकि इस x² के आगे 1 लिखा हुआ है, b का वैल्यू क्या होगा माइनस 2, c का वैल्यू क्या होगा माइनस 35। अब हम लोग सीधा चार फॉर्मूला यूज़ करें, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इजल टू क्या होगा माइनस बी मतलब माइनस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू 1 है, a की जगह हमने 1 रख दिया, मल्टीप्लाई बाई c का वैल्यू माइनस 35 है, होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि a का वैल्यू 1 है। अब हम लोग x को कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 35 क्या आएगा 140, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 4 प्लस 140 क्या होगा 144 और हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है 12, इसकी जगह हमने 12 लिख दिया।
अब हम लोग एक बार प्लस के साथ लिखेंगे यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस 12 बाई 2, और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे यानी 2 माइनस 12 बाई 2। 2 प्लस 12 करने पे आता है 14, 2 माइनस 12 करने पे आता है माइनस 10। तो x का वैल्यू क्या होगा 7, क्योंकि 2 7 जा 14, और एक और वैल्यू क्या होगा 5, माइनस 5, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसलिए माइनस 5 आएगा। यानी अदर जीरोज जो हुए वो है 7 और माइनस 5। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैंने वही काम किया है, पहले जो दोनों जीरोज गिवन थे उससे एक पॉलिनोमियल बनाया है, फिर इस पॉलिनोमियल से बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे मेरा आंसर ये आया, फिर हमने इसके जीरोज़ को फाइंड किया, तो जो भी इसके जीरोज़ आए वही हमारा आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इफ़ वन ऑफ इट्स जीरोज इज माइनस 2। इस क्वेश्चन में फिर से एक पॉलिनोमियल दिया है और उसका एक जीरो दिया है जो कि है माइनस 2, तो हमें बाकी जीरोज़ को फाइंड करना है। तो फिर से वही तरीका, पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे। इस बार इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो दिया है, वो है माइनस 2, जिससे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो होगा एक्स माइनस फिर ये जीरो जो कि है माइनस 2, दैट इज एक्स प्लस 2। मतलब इस बार जो पॉलिनोमियल बनेगा वो सिर्फ होगा एक्स प्लस 2। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे डिवाइड, इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स में मल्टीप्लाई करें तो कहेगा एक्स क्यूब, फिर बीच में प्लस। इस एक्स स्क्वायर को 2 में मल्टीप्लाई करें तो कहेगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा 11x स्क्वायर, और ये 32x नीचे आ जाएगा। फिर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 11x स्क्वायर आ जाए, तो आपका आंसर होगा 11x। इस 11x को हम लोग इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x को अगर x में मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 11x स्क्वायर, बीच में प्लस। इस 11x को 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 22x, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, पहला टर्म कैंसिल, 32x माइनस 22x क्या आएगा 10x, ये 20 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10x आ जाए, आपका आंसर होगा 10। तो इस 10 को अगर x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10x प्लस 20, फिर यहाँ पे माइनस तो ये प्लस माइनस, 10x से 10x कैंसिल, 20 से माइनस 20 कैंसिल, आंसर आया 0। यानी जब हमने इस x प्लस 2 से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। तो जब हमने x प्लस 2 से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आया है। अब हम लोग इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो फिर सीधा चार फॉर्मूला से इसके जीरोस को फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू क्या हुआ 1, बी का वैल्यू क्या हुआ 11, सी का वैल्यू क्या हुआ 10। तो हम लोग जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी मतलब माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 1, सी मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 410 जा 40 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम लोग 121 में 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 81, तो इसकी जगह हमने 81 लिख दिया है। तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 11 प्लस माइनस 9 बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 11 प्लस 9 बाई 2 और एक बार माइनस 11 माइनस 9 बाई 2। तो माइनस 11 प्लस 9 क्या होता है माइनस 2, माइनस 11 माइनस 9 क्या होता है माइनस 20, तो 2 वन ज़ा 2, 2 टेन ज़ा 20। तो एक्स का वैल्यू आया माइनस 1 और माइनस 10
यही बाकी दोनों जीरोस हैं, यानी यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।